इस वक्त की बड़ी खबर सतना से सामने आ रही है, जहां पर चित्रकूट वन परिक्षेत्र झूरी नदी के पास एक तेंदुए का शव मिला है। तेंदुए के शव की वन विभाग की टीम को सूचना दी गई है। वहीं मौके के लिए वन विभाग की टीम रवाना हो गई है। तेंदुए के शव मिलने की खबर सामने आ रही है। सतना से खबर, बड़ी खबर, जहां चित्रकूट वन परिक्षेत्र झूरी नदी के पास तेंदुए का शव मिला है, जिसे आपको बता दें तेंदुए के शव की वन विभाग की टीम को सूचना दी गई है। वहीं मौके के लिए वन विभाग की टीम रवाना हो चुकी है। तेंदुए के शव की सूचना जो है वन विभाग की टीम को दी गई है। वहीं आपको बता दें मौके के लिए वन विभाग की टीम रवाना हो गई है। चित्रकूट वन परिक्षेत्र झूरी नदी के पास तेंदुए का शव मिला है। सतना से बड़ी खबर, जहां पर चित्रकूट वन परिक्षेत्र झूरी नदी के पास एक तेंदुए का शव मिला है। वहीं तमाम आशंकाएं जो हैं तेंदुए के शव को लेकर यहां पर जताई जा रही है, जिसे लेकर आपको बता दें वन विभाग की टीम जो है वो रवाना हो गई है। सूचना दी गई थी वन विभाग की टीम को, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज कुशवाहा जुड़े हुए हैं। पंकज, तेंदुए का शव बरामद हुआ है चित्रकूट वन परिक्षेत्र के पास, ये क्षेत्र बताया जा रहा है जहां पर शव बरामद हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, बता दूं कि सतना जिले के चित्रकूट वन परिक्षेत्र अंतर्गत जोई नदी के पास मृत हालत में तेंदुआ का शव पड़ा हुआ मिला था, जिसकी सूचना जंगल में एक्सपेरिमेंट के लिए गई ग्रोमोदर विश्वविद्यालय की टीम को मृत हालत में जोई नदी के समीप तेंदुआ मिला था। वो टीम ने फिर विभाग को सूचना दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग के क्षेत्र के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया में तेंदुए के शरीर पर सेही नामक जंगली जानवर के हमले के निशान मिले हैं। जानकारों का मानना है कि इसी की वजह से मृत्यु हुई होगी, लेकिन पूरा तेंदुए की जो मृत्यु की वजह तो विभागीय अधिकारी की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी पंकज, इसके साथ ही क्या कुछ किसी तरीके के शिकार या इस तरीके की कोई आशंका यहां पर जताई गई है वन विभाग द्वारा? जी बिल्कुल, बता दूं कि वन विभाग के आला अधिकारी और जिले के कुछ टीम पहुंचने का भी अनुमान है, और क्षेत्रीय टीम सभी पहुंच चुकी हैं। वहां जो भी उनके सिस्टमेटिक चीजों के हिसाब से जांच की जा रही है, अगर इसमें जो भी समझ में उनको आएगा, जैसे अभी तो प्रथम दृष्टया यह समझ में आ रहा है कि सही नामक जानवर से शिकार हुआ, हमला किया है, उसी की काटे भी मिले हैं तेंदुए के शरीर पर, तो अभी प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है। अभी इसका पूरा जांच के बाद ही पूरा पता चल पाएगा। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें चित्रकूट वन परिक्षेत्र झूरी नदी के पास एक तेंदुए का शव बरामद हुआ है, जिसे लेकर वन विभाग जो है वो अपनी तहकीकात कर रहा है। वहीं तेंदुए के शव की जानकारी जो है वन विभाग को तुरंत दे दी गई थी, जिसके बाद अब आगे की जांच में वन विभाग लग चुका है।